नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में सरकारी संस्थाएं क्या वो आजाद है? क्या वो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उन सारी सरकारी संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया? बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। आज विपक्ष की 15 पार्टियों ने संसद से लेकर के विजय चौक तक मार्च किया। क्यों मार्च किया? क्योंकि सरकार ने मानसून सत्र को 2 दिन पहले खत्म कर दिया। विपक्ष लगातार बात करना चाह रहा था, चर्चा करना चाह रहा था। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाह रहा था, लेकिन सरकार ने जैसे तैसे करके समय पूरा किया और उसके बाद में 2 दिन पहले ही मानसून सत्र को खत्म कर दिया। और इसी से नाराज होकर के विपक्ष ने आज पार्लियामेंट से लेकर के विजय चौक तक जाकर के मार्च किया, राहुल गांधी का नेतृत्व किया। लेकिन इसके बाद में जैसे ही ये मार्च हुआ, उसके बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तमाम विपक्ष के नेताओं ने संबोधन दिया, उसके बाद में सरकार की तरफ से आठ मंत्री मैदान में उतर गए। सरकार की तरफ से इन 8 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और साथ ही राज्यसभा टीवी की एक वीडियो दिखाई, सीसीटीवी फुटेज है, राज्यसभा की एक वीडियो दिखाई और उसमें कहा कि देखिए विपक्ष ने कैसा व्यवहार किया है और मार्शल को मारने का काम किया है। मार्शल यानी कि जो व्यक्ति संसद के अंदर रोकटोक जहां पर होती है, नोकझोंक जहां पर होती है, उसको रोकने का काम करते हैं, उनको मार्शल कहते हैं। ये आरोप जो है उल्टा विपक्ष के ऊपर लगा दिया कि विपक्ष ने देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया। ये वीडियो आप देखिए, फुल स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। पहले ये राज्यसभा टीवी की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है और सीसीटीवी फुटेज में आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरी आप फुल स्क्रीन के ऊपर लगातार इसको देखिए। क्या आपको लग रहा है कि इसमें केवल मार्शल को जो है वो मारपीट हुई है, या इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखें तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्शल है वो भी विपक्ष की सांसद के साथ में, महिला सांसद, ये कांग्रेस की महिला सांसद है जिन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मारा गया है। कई इस सीसीटीवी फुटेज को देख करके कोई इस बात को नहीं कह सकता कि यहां पर उसकी तरफ से मारा गया है या इसकी तरफ से मारा गया। लेकिन यह जरूर नजर आ रहा है कि जब वहां पर महिला सांसद है तो केवल वहां पर एक ही महिला मार्शल है, केवल एक महिला मार्शल, और बाकी नीले रंग की ड्रेस में जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पुरुष मार्शल है। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ? अब आप बताइए कि इस तस्वीर को देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में क्या कहीं से स्पष्ट होता है? लेकिन एक राज्यसभा की फुटेज जो है वो जारी करवा दी गई और इस फुटेज के जरिए कहा गया कि देखिए धक्का मुक्की हुई है, जबकि बिल्कुल इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने किसको धक्का दिया। इसमें उल्टा ये भी हो सकता है कि धक्का जो है वो मार्शल की तरफ से सांसद को दिया गया, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये स्थिति आई क्यों? क्यों ऐसी स्थिति आई जिन सांसदों को हम माननीय कहते हैं, और राज्यसभा की बात हो रही है यहां पर, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा इस देश का उच्च सदन है। अगर उच्च सदन में ऐसा हो रहा है, उन सांसदों के साथ में हाथापाई हो रही है, तो ऐसी स्थिति आई क्यों? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उल्टा सरकार के 8 मंत्री विपक्ष के ऊपर चढ़ गए और विपक्ष के ऊपर चढ़ करके कहा कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, यह कहा। आप बताइए कि क्या इस तस्वीर को देखकर के आपको साफ साफ हो रहा है? लेकिन इसके बाद में विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि करीब करीब 50 मार्शल की ड्रेस में व्यक्ति बाहर से बुलाए गए थे। देखिए बेहद गंभीर आरोप है ये जो मार्शल की आप ये देख रहे हैं, ये मार्शल जो कतार में खड़े हैं, विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि 50 मार्शल और 10 से 20 महिलाएं वो बाहर से बुलाई गई है। ये इतने गंभीर आरोप है, सरकार को वाकई संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अगर ऐसा ये सच है तो आप ये बताइए कि देश की संसद में अगर भाड़े के लोग जाकर के अगर विपक्षी सांसदों को पीटने का काम कर रहे हैं तो इस देश में क्या लोकतंत्र बचा है? वाकई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा आप देखिए कि संसद के अंदर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। जहां सोशल मीडिया पर विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा था, वहां पर क्या हुआ है? सोशल मीडिया के ऊपर ये लिस्ट आप देखिए, 23 कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके अकाउंट अभी तक ब्लॉक कर दिए गए, लॉक कर दिए गए ट्विटर की तरफ से। और ये कैसे हो रहा है?
ट्विटर के ऊपर अभी अभी केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई थी और कहा जा रहा है कि उसी के बाद में केंद्र सरकार ने ट्विटर पर कमांड कस ली है। 23 कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिसमें बड़े नाम है, राहुल गांधी सबसे पहले, रणदीप सुरजेवाला, माकन, वेणुगोपाल, तमाम बड़े नाम है जिनको आप जानते हैं। 23 नाम है ये लिस्ट आप देख रहे हैं, 23 नामों की फेरिस्त है। और इसके साथ साथ कांग्रेस की 7 यूनिट ऐसी हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। ये कांग्रेस का पहला मेन अकाउंट कांग्रेस का जिसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दमनदीप और तमिलनाडु, कांग्रेस की 7 यूनिट है जिनके अकाउंट लॉक कर दिए गए। आप ये बताइए क्या विपक्ष कहीं पर भी आवाज नहीं उठा सकता है? संसद के अंदर आवाज नहीं उठ रही है, सड़क के ऊपर आवाज नहीं उठ रही है, जहां पर भी विपक्ष संसद घेराव के लिए बोलता है, संसद मार्च के लिए बोलता है, तो वहीं पर जो है वो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, धरने पर कहीं पर बैठने नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि कोरोना है। और यहां पर सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा था तो किस तरह से हो रहा है। आप राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी मीडिया से सीधे सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी ने ऐसा मीडिया के ऊपर हमला शायद पहले नहीं बोला है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि तुम सरकार के आदमी हो, तुम सरकार के लिए काम करते हो। यह राहुल गांधी ने एक सामने एंकर से जो है जवाब दिया है। वो एंकर कह रहे थे कि कल वेंकैया साहब रो पड़े क्योंकि संसद में कार्रवाई नहीं हो पाई। सुनिए, हम सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को दुख हो रहा है? चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? वाकई सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की तमाम संस्थाओं को या तो बेच दिया है या मुट्ठी में ले लिया है। सवाल महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं है तो ट्विटर एक साथ इतने अकाउंट को कैसे लॉक करता है? कैसे संसद के अंदर पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बाहर से भाड़े के ऊपर मार्शल ला करके विपक्षी सांसदों की पिटाई की जा रही है? क्या वाकई सब कुछ उंगलियों के इशारे पर हो रहा है, सब कुछ कठपुतली बना दिया गया है और जहां पर जिसकी तार जितनी खींची जाएगी वो उतना टाइट हो जाएगा और उसी तरह की धुन निकालेगा जिस तरह की धुन जो है वो चाहेंगे? क्या ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है और ऐसे इसी तरह पर हो रहा है? आप राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने देश की तमाम संस्थाओं को बेचने का काम किया है। सुनिए, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष की आवाज क्या कहीं पर वो सुनाई दे सकती है, क्योंकि गोदी मीडिया पहले ही पूरी तरह से मोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। सोशल मीडिया पर अब किस तरह से अंकुश लग रहा है। अब जो कुछ एक साधन बचे हैं, क्या उनके जरिए देश के लोगों की आवाज, क्योंकि विपक्ष की आवाज देश के लोगों की आवाज कही जाती है, सत्ता की आवाज कभी देश के लोगों की आवाज नहीं होती है, विपक्ष की आवाज देश के लोगों की आवाज होती है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की भी सत्ता देश के अंदर है तो महज 33% 30% के पास में उनके पास में वोट है, बाकी के 60% के करीब वोट जो है वो विपक्ष के पास में है। और अगर विपक्ष की 15 पार्टियां, समूचा विपक्ष एकजुट होकर के कह रहा है तो यानी जनता की आवाज ये है। तो क्या जनता की आवाज जनता तक पहुंच रही है? इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके
कि वाकई संसद के अंदर कैसे सब कुछ हो रहा है और कैसे सारी की सारी संस्थाओं को कठपुतली बनाने का आरोप लग रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।